गोवा के लोग इस बार बहुत एक्साइटेड हैं। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इलेक्शंस। उनको लग रहा है कि इस बार असली बदलाव आएगा। अभी तक चॉइस नहीं थी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। आम आदमी पार्टी एक फ्रेश होप के रूप में सामने आई है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारा गोवा को लेके क्या विजन है? तो 13 पॉइंट एजेंडा मैं आज गोवा के लोगों के सामने रख रहा हूँ। गोवा में सरकार बनेगी, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे और बच्चों को रोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे। जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको 3,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। दूसरा पॉइंट है माइनिंग। माइनिंग में बहुत बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े। ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग ट्राई करें और माइनिंग शुरू ना हो सके। माइनिंग शुरू हो तो सकती है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट है। कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। वो करना नहीं चाहते, वो माइनिंग शुरू करना नहीं चाहते। हमारी नीयत साफ है, साफ नीयत वाली सरकार होगी। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हम लोग माइनिंग शुरू करेंगे।